तो आप लोगों का स्वागत है ईएल 308 की अगली ऑनलाइन क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लैन वैन मैन। इससे पहले हमने यूनिट वन को कर लिया था पूरा, और यूनिट टू भी हमारी पूरी हो गई थी। यूनिट थ्री से पहले मैं एक छोटी सी जो यूनिट है, यूनिट फोर, आपके नेटवर्किंग और टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड, हालांकि जो पूरी यूनिट है, हम कह सकते हैं पूरी यूनिट के बजाय जो पूरा सब्जेक्ट ही टेलीकम्युनिकेशन का है, तो हम आज पढ़ते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क दरअसल क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लैन वैन मैन और उनका हम डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट हम समझते हैं कि नेटवर्क क्या होता है, और नेटवर्क में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। जैसे कि आप राइट साइड में देख रहे हैं, ये बहुत सारे हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड हमारी डिवाइसेस हैं, जैसे लैपटॉप रखा है, डेस्कटॉप रखा है, इवन आप बात करें तो मोस्टली तो लैपटॉप और डेस्कटॉप ही हैं, और जैसे एक फोटोकॉपियर मशीन है। ये सब क्या स्टूडेंट, अगर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं तो ये किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, इनके पीछे अपना इनका एक सिस्टम होता है, या हम कह सकते हैं अपना इनका एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल मतलब रूल्स होते हैं इनके, तो उन रूल के बेसिस पे ही हम नेटवर्क डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क वो होता है, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर्स, यानी ऑटोनोमस मतलब जो ऑटोमेटिकली हुए, इंटरकनेक्टेड बाय सिंगल टेक्नोलॉजी। अब वो टेक्नोलॉजी कुछ भी होती है, उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। दरअसल टू कंप्यूटर्स आर सेट टू बी इंटरकनेक्टेड इफ दे आर एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज कोई भी स्टूडेंट अगर मान के चलिए मुझे फोन कर रहा है, तो हम कब बोलेंगे कि फोन लग गया, जब मेरे फोन पर रिंग गई और मैंने उसको रिसीव कर लिया और सामने वाला आराम से अपनी मतलब जो भी बात है वो बात रख पा रहा है और मैं सुन पा रहा हूँ, तब हम बोलते हैं कि हाँ इंटरकनेक्शन हो गया, मतलब कनेक्शन हो गया। तो कंप्यूटर नेटवर्क में ये है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर की फाइल एक्सचेंज कर सके, और सिमिलरली जो दूसरा कंप्यूटर है पहले कंप्यूटर की फाइल को समझ सके, तो वो तब हम कहते हैं कि दो कंप्यूटर आपस में इंटर कनेक्टेड है। कनेक्शन कैन बी थ्रू अ कॉपर वायर। अब वो कनेक्शन डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, हो सकता है वो कॉपर वायर के थ्रू हो, लैन केबल जैसे आपने सुना हो, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड या सैटेलाइट, कुछ भी पॉसिबल है, वायर या वायरलेस अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो। फाइनली जो हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड जो कैटेगरी होती है नेटवर्क की, वो तीन टाइप की होती है। पहला तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड में है लैन, फिर नीचे आएंगे आप मैन, और इधर वैन। अब ये होते क्या है लैन मैन वैन, देखिए स्टूडेंट्स, दरअसल सबसे जो बेसिक जो इनका डिफरेंस होता है वो होता है इनका ज्योग्राफिकल। ज्योग्राफिकल मतलब इनका भूगोलिक जो क्षेत्र होता है उसके अकॉर्डिंग ही डिफरेंशिएट होते हैं। लैन का ज्योग्राफिकल एरिया सबसे कम होता है, उसके बाद में आपका मैन होता है, फाइनली वैन होता है, और इन्हीं के बेसिस पर ही इनके स्पीड में, इनमें क्या एरर आएगी और इनकी एप्लीकेशन डिसाइड होती हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लैन पढ़ लेते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्किंग इक्विपमेंट, नेटवर्किंग इक्विपमेंट का कलेक्शन होता है, लोकेटेड ज्योग्राफिकली क्लोज टुगेदर, यानी जैसे मैंने अभी जस्ट बताया कि इनका जो ज्योग्राफिकल जो भौगोलिक क्षेत्र है वो कम होता है, मतलब ये आसपास में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं, एक हमारा जैसे सपोज आपने सेकेंड ईयर में 210 की आपने जब भी लैब ली होगी, तो लैब में जैसे इधर आप कंप्यूटर लैब है, तो उसमें जो कंप्यूटर्स आसपास रखे हैं तो वो आपस में एक दूसरे से लैन वाया लैन केबल कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल दे रखा है सिंगल रूम, या फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकते हैं एक कैंपस, हमारा जीपीसी दौसा, आप कैंपस ले लीजिए। अगर इससे बड़ा हो जाता है तो लॉसेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, हालांकि लॉसेज थोड़ा बहुत कैंपस में भी स्टार्ट हो जाएंगे, रूम में फिर भी बहुत कम होंगे, तो वो डिपेंड करता है। फिर अगला पॉइंट है डेटा ट्रांसफर इन हाई स्पीड, मतलब इसका जो डेटा होता है वो हाई स्पीड में ट्रांसफर होता है, जिसकी रेंज होती है 100 Mbps से लेकर के गीगाबिट यानी GBPS तक, यानी जो इसका जो इंटरनेट कनेक्शन होता है, या फिर हम बात कर सकते हैं जो इंटरनली कनेक्शन होता है, इंटरनेट वर्ड मैंने गलत यूज़ किया, जो इसका इंटरनल से जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, उसकी Mbps से लेकर के GBPS तक की स्पीड होती है, और इस कारण इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट होती है, क्योंकि ज्योग्राफिकली आसपास होते हैं तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन मतलब इसकी जो सेटअप कॉस्ट होती है वो कम होती है। अब फाइनली अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो अपर लिमिट होती है, मतलब हाईएस्ट जहां तक लैन काम कर सकता है, यानी उसके अंदर जो भी हम वायर यूज़ कर रहे हैं या जो भी हम जिस तरीके से हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं लैन में, वो 10 किलोमीटर होती है, और लोअर ज़्यादा मतलब कम से कम 1 किलोमीटर तक तो आराम से काम कर जाता है। 10 किलोमीटर की स्टूडेंट्स जो रेंज होती है
वो काफी मतलब होती है। उसके बाद में तो ये ऑलमोस्ट लॉस ही होना स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब ऑलमोस्ट जीरो ही रहेगा। अब जो अगला पॉइंट है ये है ट्विस्टेड पेयर केबल, या तो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है या कोएक्सियल केबल होती है जिसको कनेक्ट किया जाता है, मतलब इसके जो प्लग इन कार्ड, मतलब दरअसल जो इसके अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता बोलते हैं हम उसको, उसकी सहायता से हम एक दूसरे से इनकी नेटवर्क बनाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक दूसरे को कनेक्ट किया जाता है। फिर आखिरी पॉइंट है डिजाइन टू शेयर रिसोर्सेज बिटवीन पीसीज एंड वर्क स्टेशन सच एज हार्डवेयर और डेटा, मतलब कुछ भी हम जो भी डेटा है या रिसोर्सेज है हम उसको शेयर करते हैं लैन के थ्रू। अब यूजेज ऑफ लैन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मैंने हमारी स्टैंडर्ड बुक से फिगर को मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वर्क स्टेशन यहाँ पर कोई भी होगा, लैन या मतलब यहाँ पर तो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, मतलब वायरलेस है, यहाँ पर एक राउटर लगा हुआ है वो फाइनली आगे भेज रहा है, और इस तरीके से जब उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसके लिए, अब एक इंटरनेट है हमारी, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, यहाँ से हमारा हाई कनेक्शन है, अभी आप इसको छोड़ दीजिए, राउटर से ये ले रहा है चीज़ों को, ठीक है। तो अ वर्क टू इंटरनेट कनेक्शन वुड मोस्ट लाइकली रिक्वायर ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क मतलब जो भी आपका इंटरनेट कनेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल जियो का हुआ, बीएसएनएल का हुआ, जो भी, मतलब मैं तो एक कंपनी के जस्ट आपको एग्जाम्पल देके नाम बता रहा हूँ, विद अ कनेक्शन टू इंटरनेट, यानी इसको हम पैकेट स्विच नेटवर्क भी बोलते हैं। ये आप जितेंद्र बाड़ीवाला सर आपके 309 है उसमें और आपको अच्छे से बताएंगे। फिर फाइनली एक और आप जैसे ये एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे ये आपके वाई लैन एडेप्टर है, और इस तरीके से आपका ये यूएसएस पोर्ट है, और ये आपके कंप्यूटर है, इंटरनेट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हो सकता है आपने यहाँ देखा हो आपके कॉलेज में भी है, और ये राउटर है, इस तरीके से ये अलग अलग लैन के पोर्ट्स हैं जो अलग अलग जा करके लग रहे हैं। हो सकता है प्रिंटर में भी लैन का पोर्ट आता है, वहां पर भी आप लगा सकते हैं। हो सकता है ये जो चार पोर्ट हैं, हो सकता है एक आप इस डेस्कटॉप के लिए दे दीजिए, एक लैपटॉप के लिए ले लीजिए, एक आप दूसरे डेस्कटॉप के लिए ले लीजिए, एक दूसरे लैपटॉप के लिए ले लीजिए। तो डिवाइसेस डिपेंड करता है आप किस तरीके के काम में लेना चाह रहे हैं। फाइनली हम इसकी अब मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लेते हैं। कॉस्ट रिडक्शन, मतलब कॉस्ट का रिडक्शन होता है थ्रू शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस। अब आप देख लीजिए, अगर आप एक ही इंफॉर्मेशन को अलग अलग जगह बना रहे हैं, या फिर आपका टाइम सेविंग भी होगा, प्लस आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। और दूसरा पॉइंट है इंक्रीज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। अब जाहिर सी बात है आप इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसकी मतलब इंक्रीमेंट वैल्यू बढ़ेगी, मतलब वो बहुत लोगों तक पहुंच पाएगी बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी डेटा शेयर करना है, अब वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट तक ही है, और अगर मतलब जैसे हम काफ़ी मतलब जैसे बड़ी यूनिवर्सिटीज से बात करते हैं उसमें कैंपस काफ़ी दूर दूर तक होता है, तो वो आपस में इंटरनली लैन से कनेक्टेड होते हैं, तो ये नहीं है हमें इधर से उधर हमें ट्रैवल करना पड़ रहा है, और मतलब चीज़ों को मतलब टेडियस होने के बजाय इससे हम थोड़ा सा हमारी चीज़ें काफ़ी मतलब ईजी हो जाती हैं। और अगला ट्रेंड टू ऑटोमेट कम्युनिकेशन, जाहिर सी बात है इससे हमारा ऑटोमेशन बढ़ गया। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसकी डीमेरिट्स की, तो डीमेरिट्स में ये है कि स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स, अब जाहिर सी बात है कि अगर आप मान के चलिए दो इंफॉर्मेशन, दो जब मतलब सिस्टम के बीच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, तो ऐसा नहीं हो कि वो सामने वाला है मतलब किसी तरीके से इलीगली उसको इंफॉर्मेशन को मतलब यूज कर ले, या फिर कोई और ऐसे प्रोग्राम्स जो उसको एक्सेस नहीं करने, उसको राइट्स नहीं हो, तो इसलिए हमें स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स काम में चाहिए होते हैं। दूसरा है नेटवर्क्स आर डिफिकल्ट टू सेटअप एंड नीड टू बी मेंटेन्ड बाय स्किल्ड टेक्नीशियंस। हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सपोज अगर मान के चलिए जैसे आपने नेटवर्क सेटअप किया और कुछ टाइम में मतलब या फिर आने वाले टाइम में उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमें इसके लिए स्किल्ड टेक्नीशियन की जरूरत है। ये नहीं है सिंपली हमने कोई भी चीज़ वायर एक्सचेंज कर दी, नहीं, उसके लिए हमें, और इसीलिए आप लोगों को ये चीज़ पढ़ाई जाती है। इफ़ द फाइल सर्वर डेवलप्स अ सीरियस फॉल्ट, अगर जो हमारे जहाँ से फाइल हम एक्सचेंज कर रहे हैं सर्वर से, अगर वहाँ पर फॉल्ट हो गया, फॉल्ट भी मतलब सीरियस फॉल्ट हो गया, तो जितने भी हमारे जो यूजर्स हैं उनको अफेक्शन होगा, और रादर देन जस्ट वन इन केस ऑफ स्टैंड अलोन मशीन। मतलब एक स्टैंड अलोन मशीन में तो क्या होता है स्टूडेंट, सिर्फ वही इफेक्ट करता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सारे आपस में जुड़े हुए हैं तो इस कारण से सारे यूजर्स को अफेक्ट होगा, तो ये भी इसका एक डीमेरिट है। फाइनली हम लैन की जो टोपोलॉजीज बात करें, तो लैन टोपोलॉजीज होती है हमारी, एक तो बस टोपोलॉजी, एक होती है रिंग टोपोलॉजी, और एक होती है स्टार टोपोलॉजी। ये आपको 309 में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। बस टोपोलॉजी आप एक बार देख लीजिए, सेकंड इधर लेफ्ट साइड में है स्टार टोपोलॉजी, स्टार की तरह बनी हुई है, और एक होती है ये आपके कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है रिंग टोपोलॉजी, ये जो रिंग के फॉर्म में है, ठीक है। फिर हम मैन की बात करते हैं।
मेट्रो, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, मैन का है METRO, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मेट्रो सिटीज उसके लिए होता है, और जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं एक सेंट्रल ऑफिस होता है, काफी बड़ा होता है, और उससे हमारी लाइंस निकली हुई है, जैसे ब्रांच ऑफिस को जा रही है, वेयर हाउस, फैक्ट्री, और भी अलग अलग लिए। और देखिए इसके रेंज आप देख पा रहे हैं जैसे डायग्राम में, 80 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, मतलब ये लगभग लगभग 100 किलोमीटर की रेंज में आ जाता है। तो वो होता है हमारा, मतलब जो वहां पर जो नेटवर्क डिजाइन होता है वो होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब जैसे कि मैन का हम देख लेते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क डिजाइन टू एक्सटेंड ओवर एन एंटायर सिटी, जैसे हमने मैंने बताया अभी। इट मे बी अ सिंगल नेटवर्क, ये सिंगल नेटवर्क भी हो सकता है, सच एज केबल टेलीविजन नेटवर्क अवेलेबल इन मेनी सिटीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें, अभी तो हमारी DTH सर्विसेज काफी चल रही हैं, जो केबल नेटवर्क प्रोवाइडर होते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे जयपुर में बात करें तो भास्कर प्रोवाइड कराता था, तो उसका एक नेटवर्क होता था, वो मैन कह सकते हैं, मतलब अलग अलग जगह सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, तो वो पर्टिकुलर जयपुर सिटी में, हो सकता है यहाँ पर दौसा में कुछ और हो, कोई और दूसरी सिटी में कोई और हो। तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, केबल मतलब नेटवर्क प्रोवाइडर जो भी, मतलब जो टेलीविजन का था। अ मैन यूज ए डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू ड्यूअल बस, ये ठीक है, आप इसको टेक्निकली समझ लीजिए, और इसकी रेंज जैसा कि मैंने बताया 100 किलोमीटर तक होती है। अब इसके हम एडवांटेजेस देख लेते हैं स्टूडेंट। इट प्रोवाइड्स गुड बैकबोन, ये काफी अच्छा बैकबोन प्रोवाइड कराता है लार्ज नेटवर्क के लिए। और ड्यूएल बस, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी होती है वो ड्यूएल बस की सहायता से हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं। और तीसरा है अ मैन मतलब सिंपली मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूजली एनकम्पासेस सेवरल ब्लॉक्स ऑफ अ सिटी और एंटायर सिटी। तो ये फायदा होता है कि हम एक सिंगल नेटवर्क से हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस होती है मोर केबल रिक्वायर्ड, जाहिर सी बात है सिटी जितना डेंस होगा, डेंस मतलब जितना उसकी पॉपुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग ही हमारा नेटवर्क डिजाइन होगा, उतना ही हमारे को केबल की जरूरत पड़ेगी। इट इज डिफिकल्ट टू मेक सिस्टम सिक्योर फ्रॉम हैकर्स एंड इंडस्ट्रियल एस्पियनेज स्पाइंग ग्राफिकल रीजंस। अब जाहिर सी बात है कि जितना बड़ा नेटवर्क होगा तो उसमें उतना ही सिस्टम को हैक करने का प्रॉब्लम रहेगा, तो इसलिए मैन की ये दो डिसएडवांटेजेस हैं। अगर हम बात करें मैन की, तो वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि आप देख पा रहे हैं वाइड का मतलब होता है कि ये हमारे एंटायरली ग्लोब पे, एंटायरली हमारे वर्ल्ड में ही मतलब फैला हुआ होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वो सेलुलर फोन से कनेक्टेड है, मेन ऑफिस सर्वर, टेलीफोन नेटवर्क, मतलब आपस में एक दूसरे, मतलब एक देश से दूसरा देश, इवन हम कह सकते हैं, अगर वो तो काफी बड़ा मैंने एग्जाम्पल दे दिया, हम देख सकते हैं एक सिटी से दूसरा सिटी, यानी 100 किलोमीटर से ज्यादा फैला हुआ। तो नेटवर्क दैट प्रोवाइड्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, यानी वो जो बहुत बड़ा ट्रांसमिशन मतलब दूरी का ट्रांसमिशन प्रोवाइड कराता है, जैसे डेटा, वॉइस, इमेज, जो भी है, ओवर अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया दैट मे कंप्राइज अ कंट्री, मतलब वो कंट्री भी हो सकता है, कॉन्टिनेंट भी हो सकता है। तो वो होता है हमारा वैन, और जो उसकी रेंज होती है बियॉन्ड मतलब 100 किलोमीटर से आगे की तरफ। अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के लिए जैसे मैंने लैन और वैन में बताया, ये स्टूडेंट इसको खुद पढ़ें और खुद समझें इसको। ये आपका वैन का है, डायग्राम क्लियर नहीं है, और जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वैन में, ISDN एक तो होती है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, फ्रेम रिले, SMDS, सोनेट, SDLC हाई डेटा लिंक कंट्रोल, और SDLC सिंक्रोनस डेटा लिंक कंट्रोल, ये आपकी टेक्नोलॉजी यूज होती है। ये आपका कुछ वैन का है जो इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराता है। और फाइनली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टूडेंट वो ये है आपका, ये लास्ट स्लाइड जो मैं शेयर कर रहा हूँ, लैन वैन मैन के बीच में डिफरेंस, और ये हर बार क्वेश्चन आता है, तो आप इसको एज इट इज लिख लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, और फाइनली इसको एग्जाम में जरूर मेंशन कीजिएगा, आपके सीधे सीधे इसको आप मार्क्स गेन कर पाते हैं इससे। तो स्टूडेंट ये तो हुआ आज का हमारा टॉपिक लैन वैन मैन का। अब आप जैसे कि देख पा रहे हैं, लैन वैन मैन होने के बाद में मैं आगे आपके इसके PSTN और उससे रिलेटेड पढ़ाऊंगा, फाइनली आपकी फोर्थ यूनिट हो जाएगी, फिर हम दोबारा थर्ड यूनिट पे आएंगे। आज की स्ट्रेंथ काफी कम है, मुझे नहीं पता क्या इश्यू है, ठीक है अभी एग्जाम से बिजी थे, नेक्स्ट वीक तक आप लोगों के क्लासेस रेगुलर होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो तब तक उम्मीद है कि स्टूडेंट को ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोरोना महामारी में अपना ध्यान रखिए, मेन चीज, और एक NVSP पोर्टल जो मैं पहले ही बता चुका हूँ उस पर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, और इसके बाद में आप इन चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो अप करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।